गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो ये देखिए इवनिंग का टाइम है और मैं अपना वीडियो इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो सोचा इवनिंग में वीडियो बना लेती हूँ। वैसे बर्थडे में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सेलिब्रेट भी नहीं करना हमें, केक वेक कुछ भी कटिंग नहीं करना। हमने कहा था केक कटिंग करने के लिए पर बेटा ने बिल्कुल भी मना कर दिया, पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगता केक कट करना, तो हमने केक कटिंग नहीं करेंगे हम। और पर हमने उसे गिफ्ट भी दिया है, बर्थडे गिफ्ट भी दिया है, तो वो भी मैं आपको आज वीडियो में आके दिखाऊंगी कि हमने क्या गिफ्ट किया है। तो देखते हैं शाम को खाना बनाएंगे, और हमारे बड़े भैया की फैमिली है और मेरी फैमिली, साथ में आज मिलके डिनर में साथ करेंगे डिनर। तो सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, तो प्लीज़ आप अपने विशेष और अपना आशीर्वाद देना मेरे बेटे को, और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, बने रहिए। क्या करते हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए बेटे का बर्थडे था तो उनको हमने गिफ्ट दिलवाई थी साइकिल, तो अभी अभी उसकी साइकिल आई है, तो ये देखिए वो कितना खुश है और ये अभी देख भी रहा है और ये अपना लॉक देख रहा है। तो कई दिनों से साइकिल दिलवानी थी उसे, सोच रहे थे तो फिर सोचा कि बर्थडे पर ही गिफ्ट देते थे, तो ये अपना एक चक्कर भी लगा के आएगा। ये देखिए और ये एक चक्कर लगा के भी आ गया। और बहुत खुश था जो अपनी साइकिल देख के न्यू। वैसे भी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं अगर उनकी कोई मनपसंद चीज मिल जाए तो। मेरा बर्थडे बॉय, तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो प्लीज़ आप इसे विश करना और अपना प्यार देना और अपना आशीर्वाद देना। तो ये लेके आए अभी अभी इसकी साइकिल जो मैंने इनके बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, और इसने मुहूर्त भी करवा लिया पर मैं उसकी वीडियो लेना भूल गई थी, तो हमने उसे साइकिल गिफ्ट किया बर्थडे पर। और कपड़े तो ये जो कपड़े उसने पहने वो हमने कल दिलवाए थे उन्हें, ये देखिए। तो बने रहिए वीडियो में आगे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। ये देखिए मैं आई हूँ किचन में, अभी बजे 6:15, मैं खुद का भी 6:15 और खाना बनाना है मुझे, तो मैं आई किचन में। तो ये देखिए पनीर की सब्जी बनानी है मुझे, तो ये सारा तैयार कर रखा है, ये प्याज की ग्रेवी, टमाटर की प्यूरी, प्याज की प्यूरी, और ये बनाना है पुलाव, तो मैंने इसके लिए फूलगोभी, हरी मिर्च और लहसुन कट करके रखा है, और ये पुलाव के लिए चावल मैंने बना के रखे हैं, ये देखिए। तो पहले मैं बना लूँगी सब्जी, इसके बाद पुलाव बनाऊँगी। तो यही बनाना था मुझे खाने में, अभी रोटियों का आटा भी लगाना बाकी है, और मीठे में कुछ भी बनाऊँगी। तो बने रहिए वीडियो में आगे, क्या बनाती हूँ अभी कुछ सोचा नहीं, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए मैं आ गई किचन में, तो मुझे बना देगी पनीर की सब्जी। तो ये मैंने पनीर कट करके रखा है और मैंने इसमें मसाला करके थोड़ा डीप फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा ऑयल लेके कढ़ाई में। तो मैंने पनीर में लाल मिर्च और थोड़ी हल्दी, गरम मसाला और ये सारा मिक्स करके इसे इस तरह से थोड़ा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ी देर ही रखना है। तो इसी तरह से मैं थोड़ी देर हिला के फिर निकाल लूँगी।
और ये देखिए इसी ही कढ़ाई में मैंने फिर से ऑयल रखा क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो और मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी, आप कैसे बनाते हो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे बताना। तो ये ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक मैंने ले लिए पनीर का मसाला। तो मैं उसे आधा पैकेट में दूध में भिगो कर रखूँगी थोड़ी देर। और ये लिए देखिए मैंने लिया इतना दूध, तो इसमें मैं मसाला इस तरह से डाल के अच्छे से थोड़ी देर और भिगोऊंगी। और ये देखिए ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं सबसे पहले डाल दूँगी प्याज। इसे भी आपको तब तक हिलाना है जब तक इसमें से ऑयल ना छोड़े, इसी तरह से आपको लगातार हिलाते रहना है। और ये देखिए प्याज में से मेरा थोड़ा थोड़ा ऑयल छूट रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको लगातार हिलाते रहना है। इसके बाद मैंने डाल दी टमाटर प्यूरी, और इस दोनों को भी अच्छे से आपको हिलाना है। इसे पकाने में थोड़ी देर लगती है, पर आपको थोड़ी देर लगे पर अच्छे से पकाने हैं। और ये मैंने शिमला मिर्च कट करके रखी थी तो वो मैंने डाल दी, तो साथ साथ में वो भी पक जाएगी। वैसे शिमला मिर्च अच्छी लगती है, मैंने भी पहली बार इस तरह से ट्राई किया पर सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और ये देखें अच्छे से ऑयल छोड़ दिया, तो मैं अब इसमें कर लूँगी सारा मसाला। तो ये डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अब इसे भी अच्छी तरह से हिलाऊँगी। थोड़ी देर मसाला करने के बाद भी इस तरह से आपको हिलाते रहना है। और ये देखिए मसाले में से सारा ऑयल छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने दूध में भिगोया हुआ मसाला था वो। तो देखिए आपको इसी तरह से डाल देना है। इसके बाद आपको इससे भी अच्छी तरह से हिलाना है थोड़ी देर। इसके बाद आपको पनीर ऐड करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना आपको इस सब्ज़ी में। और ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारा पनीर।
और ये देखिए पनीर मैंने ऐड कर दिया है, तो इससे भी अच्छी थोड़ी अच्छी से हिलाऊंगी और थोड़ी देर और पकाऊंगी सब्जी को। और मैंने थोड़ा पनीर बचा के रखा है तो मैं वो ऊपर से छील के डाल दूंगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं धनिया पत्ती डाल के मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, फुल वॉच कीजिए, और नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो ये देखिए मैंने लिया इतना पनीर, तो ये अब मैं इसे छील के ऊपर से डाल दूंगी। तो इसी तरह से आपको इस तरह से छील के डालना है पनीर। और ये देखिए मैंने ऊपर से धनिया पत्ती धो के डाल दी और मेरी सब्जी बनके रेडी है। और अभी तो मुझे पुलाव भी बनाने बाकी है, तो इसके बाद मैं पुलाव बनाऊंगी। रोटियों का भी आटा लगाना है, तो रोटी भी बनानी है मुझे। और ये देखिए पुलाव के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है, तो इसमें मैं डाल दूंगी पहले ऑयल, क्योंकि जो फूलगोभी है वो मुझे फ्राई करनी है। तो थोड़ा ऑयल में डाल के उसे थोड़ी देर पहले थोड़ा फ्राई कर लूँगी, इसके बाद निकाल के फिर जो प्याज हरी मिर्च और टमाटर है वो डाल के मैं पुलाव बना लूँगी। तो अब देखिए आगे वीडियो में मैं किस तरह से बनाती हूँ। थोड़ा सा आपको इसी तरह से फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने देना है, इसके बाद आपको निकाल लेना है। और ये देखिए मैंने फूल गोभी निकाल दी, तो ये मैंने डाल दिया जीरा राई और ये सब डाल के। ये लहसुन भी मैंने कट करके रखा था तो वो मैं डाल दूंगी ऊपर से। और ये प्याज, और ये मेरे प्याज और टमाटर अच्छे से पक गए, तो मैं अब इसमें कर लूँगी सारा मसाला जो हम रेगुलर करते हैं। वो अच्छे से हिलाने के बाद ऊपर से मैं डाल दूँगी चावल। और ये मैंने टमाटो सॉस लिया था केचप, तो वो मैं ऊपर से थोड़ा डालूँगी। वैसे इस तरह से मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करके देखना केचप डाल के। और ये फ्राई किया हुआ फूल गोभी मैंने डाल दी।
और ये चावल डालने के बाद अच्छे से हिला के मैंने ये आधा नींबू निचोड़ दिया ऊपर से, और हरी धनिया भी मैंने धो के ऊपर से मैं डाल दूँगी। वैसे पुलाव भी बहुत अच्छे बने थे, आप मेरे इस तरीके से भी एक बार बना के देखिएगा। और ये देखिए पुलाव मेरे बन के रेडी है। और ये देखिए मैंने बनाई ये सब्जी, ये आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है, बहुत अच्छी बनी थी सब्जी। और ये पुलाव, और ये बनाए हमने पराठे। और ये खाना खाने के बाद अचानक बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। वैसे 6 बजे तक तो वो अच्छे से खेल रहा था, पर पता नहीं अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा, तो उसने खाया भी नहीं था। और हम लेके गए थे उसे डॉक्टर के पास। तो ये देखिए हम हमारे गांव के नज़दीक ही डॉक्टर है, तो हम वहाँ लेके गए थे। तो रात में तो इसकी हॉस्पिटल बंद थी, पर वो हम उनके घर गए थे तो वहाँ उन्होंने दवाई दे दी थी। पता नहीं बच्चों को भी अचानक क्या हो जाता है, और बहुत टेंशन से हो जाती है रात को अगर ऐसा हो तो। हेलो, तो ये देखिए हम आए अभी अभी हॉस्पिटल से घर, क्योंकि बेटे के भी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लेके गए थे हॉस्पिटल। तो हमारे नज़दीक गांव के नज़दीक ही थे, तो वहाँ हम लेके गए थे। पर पूरा दिन खेला, पता नहीं अचानक क्यों उसके पेट में ही दर्द होने लगा, तो फिर हमें दवाई लेने ही जाना पड़ा। तो हम अचानक इसे हॉस्पिटल लेके गए और फिर दवाई लेके आए, तब अब जाके इसे दवा ववा पिलाई हमने। और अभी तो सोया है। तो और मुझे करनी थी वीडियो की एंड, तो बस यही तक थी आज की वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे कल ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।